अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिंदिया, फिल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान. आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी. अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं. हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर सही बातें बताते हैं. हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था. तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे रब्ता कीजिए. तो पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं. बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है. यूट्यूब के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम. प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं सवाल जवाब के साथ. और आज जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अक्सर लड़कियां सवाल करती हैं कि मेरी शादी अलिफ़ से होगी, अलिफ़ के हरूफ वाले से होगी, बेन जो आता है उसके हरूफ से होगी, यानी ए से होगी, बी से होगी, सी से होगी, डी से होगी, यानी उनके नाम का पहला हरूफ क्या होगा. ठीक है. और वो अक्सर लड़कियां ये भी सवाल करती हैं कि हमारे हाथ में वो अंग्रेज़ी का कौन सा हरूफ लिखा है जिससे हमारी शादी होगी. तो देखें, हाथ की लकीरों में अंग्रेज़ी का या उर्दू का कोई लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं होता कि आपकी शादी इससे होगी. ठीक है. तो उसके लिए हम जो ना इल्मे जफर से मदद लेंगे कि आपकी दोस्ती, आपके ताल्लुकात, आपकी शादी, आपका मिजाज किसके साथ मिलता है और किसके साथ नहीं मिलता, किसके साथ आपकी दोस्ती या शादी देर पा चल सकती है और किसके साथ नहीं चल पाएगी, और उसमें क्या हल है, उसका उसका रास्ता क्या है, वो हल भी मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले आप देख लें कि जिनका नाम एस से आता है, यानी सीन, शीन या से से आता है, सीन, शीन या से आता है, यानी कि एस से अगर नाम आता है तो इन लोगों की शादी अलिफ, लाम, एन, हे वालों से अगर हो तो बहुत अच्छी रहती है. हलवे वाली है, ठीक है ना, अलिफ, लाम, एन, नून, हे, नून भी है, ठीक है, यानी ए, एन, शुरू का लफ्ज़ या तो एन होना चाहिए या ए होना चाहिए. सीन, शीन वालों की अगर इनसे दोस्ती होगी तो बहुत अच्छी होगी, इनके मिजाज आपस में मिलेंगे, और अगर इनकी शादी हो जाएगी तो इनके मिजाज मिलेंगे. किसी किसी वक्त यानी अनबन होगी, लेकिन वो इतनी नहीं होगी जितनी आम जैसे ज़्यादा होती, ऐसे नहीं होगी. और इसी तरह अगर एस वाले ए वालों से दोस्ती रखेंगे या एन वालों से दोस्ती रखेंगे तो वो दोस्ती मजबूत होगी और देरपा होगी और वो चलेगी. इसके अलावा अगर आप ए वाली की शादी, जिसके नाम का हरूफ ए आता है, उसकी शादी अगर ए से हो जाएगी, ठीक है, तो वो उनके लिए मसला बनेगा. मसला क्या होता है कि जैसे तराजू है ना, तराजू में आप दोनों तरफ वज़न रखें तो एक वज़न कम हो एक ज़्यादा हो तो वो अप डाउन हो जाता है, ठीक है ना. और अगर दोनों एक जितने वज़न आप रख देंगे तो फिर आपको तौल की समझ नहीं आएगी क्या है. इसी तरह अगर दो एस वालों की शादी हो जाएगी, एस शोहर का नाम भी एस से आता है और बीवी का नाम भी एस से आता है, इनके मिजाज में अप डाउन चलता रहेगा. और ये अप डाउन इतना ज़्यादा होगा कि बीवी भी शेर होगी और शोहर भी शेर होगा, इन दोनों में से किसी का वज़न कम नहीं होगा. और जब दोनों का मिजाज एक जैसा होगा तो दोनों की बनना फिर मुश्किल है. इसी तरह आप अगर दोस्ती या ताल्लुकात देरपा कायम रखना चाहते हैं तो कोशिश करें एस वाले जो हैं वो ए और एन से शादी या दोस्ती या ताल्लुकात रखें तो वो बेहतर रहेंगे, ठीक है. इसी तरह लड़कियाँ जो हैं, अगर उनका नाम ए से आता है तो उनके लिए एस जो है ये बहुत अच्छा है. उर्दू में आप इसको से कह सकते हैं, सीन कह सकते हैं, शीन कह सकते हैं, ठीक है ना. तो ये था इल्मे जफर के हिसाब से. आप अपने हिसाब से देख लीजिए किन लोगों के साथ दोस्ती और किस तरह की गुजर रही है, आपको खुद समझ आ जाएगा सब क्या है. तो हाजिर हैं सवाल जवाब के साथ. सबसे पहला सवाल किया है अताउर रहमान ने जरूब से, मेरी शादी होने वाली है पर हालात अच्छे नहीं हैं और शादी के बाद हालात कैसे रहेंगे. प्यारे दोस्त, आपकी शादी के बाद आपके हालात बदल जाएंगे और माली पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी और ज़िंदगी में सुकून भी होगा. अगला सवाल किया है अहमद रशीद ने अटक से, शादी कब होगी, कैसे रहेगी, हालात कब अच्छे होंगे.
शादी कब होगी, कैसी रहेगी, हालात कब अच्छे रहेंगे? शादी आपकी अल्लाह के फजल से 2020 या 2019 इन दोनों में से होगी, दोनों सालों में से होगी। और उसके बाद हालात, रही बात हालात की, तो हालात तो आपके इस 2019 में अल्लाह के फजल से बेहतर हो गए और आगे मज़ीद बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल किया है रोही हिमाचल प्रदेश से, ये इंडिया का कोई शहर है, हिमाचल प्रदेश। रोही ने सवाल किया है, मेरे शोहर अपने घर वालों के कहने पर चलते हैं और वो मुझे तलाक देना चाहते हैं, क्या दूसरी शादी है मेरे नसीब में? पहली बात तो ये है कि आप दूसरी शादी ना करें और इन्हीं के साथ कोशिश करें निभाने की। किसी किसी वक्त मिजाज अप डाउन ज़रूर हो जाता है, लेकिन तलाक़ का जो लफ्ज़ है ना, मुसलमानों के लिए बहुत भारी लफ्ज़ है और अल्लाह ताला का नापसंदीदा लफ्ज़ जो है वो तलाक है। तो कोशिश करें कि जैसा मुश्किल है आसान है उसको थोड़ा गुजारें, क्योंकि मुश्किल के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आप पर भी आएगा। रही बात आपके हाथ में शादी की दूसरी लकीर की, तो आपके हाथ में शादी की दो लकीरें मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल किया है कायनात ने रावलपिंडी से, कायनात ने सवाल किया है रावलपिंडी से, मुझे शक है कि मेरे हाथ में तलाक की लेन है, आप बताएं। आपके हाथ में जो शादी की लकीर है वो दो शाखा है, दो शाखा जैसे ना अंग्रेज़ी की वाई समझ लें, इंग्लिश की वाई यानी लिखी होती इस तरह की ना, जैसे दो उंगलियां, ये इस तरह की अगर लकीर आपके हाथ में है तो जुदाई की अलामत है, यानी ऐसे लोग जुदा हो जाते हैं, उनका रास्ता अलग आपका रास्ता अलग, ये पोजीशन बन जाती है। लेकिन आपको शक है या आपने देखा है? हम तो आपका हाथ देख रहे हैं, उसमें यह है कि दो शाखा बना हुआ है। लेकिन इस दो शाखे का हल भी है कि कोशिश करें कि शोहर के मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें और कोई ऐसा इकदाम ना करें कि वो आप लोगों के रास्ते अलग हों। अगर आप चाहें तो यकीन करें इसी सिलसिले को चला भी सकती हैं, निभा भी सकती हैं और कायम भी रख सकती हैं। बस थोड़ी सी आपको मेहनत करना होगी, वो मेहनत ये है कि शोहर जिस तरह कहे उनकी बात माने, या उसके वालदेन या उसके भाई या जो भी जिस तरह कहें आप उनकी बात सुनती रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और अगर ये सिलसिला ख़त्म हो गया तो आगे कोई बड़ी परेशानी में आप आ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस सिलसिले को चला के रखें। अगला सवाल किया है अनुम ने, मेरी जहां मंगनी होती है शादी वहां होगी, मेरी जहां मंगनी हुई है शादी वहां होगी, कब होगी, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? आपकी शादी इंशाल्लाह 2020 में हो जाएगी और जहाँ पर आपका ये सिलसिला है वहाँ पर ही होती नज़र आती है, और शादी के बाद भी हालात आपके बहुत ज़्यादा अच्छे और बेहतर हो जाएंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अगला सवाल किया है अनम बतूल ने जोराबाद से, शादी कब होगी, आपकी वीडियो देखी उसके हिसाब से लव मैरिज होगी मेरे, आप बताएं। आपकी शादी लव मैरिज है, ठीक है, लव मैरिज है और कामयाब शादी होगी इंशाल्लाह, और शादी के बाद बहुत सी खुशियां आपकी मुंतज़र होंगी। अगला सवाल किया है जैद अली ने अल्लाह यार से, जैद अली साहब ने सवाल किया है अल्लाह यार से, दौलत और शोहरत की लेन है, आपके हाथ में किस्मत की लकीर तो बहुत अच्छी है और कामयाबी की लकीर भी मौजूद है, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं है, कुछ अरसे बाद वो मुकम्मल हो सकती है, आप दोबारा फिर 3 या 4 माह बाद आप दोबारा बेच के मालूम कर सकते हैं। अगला सवाल किया है कासिम असलम ने मोमिनपुर लाहौर से, मुस्तकबिल में हालात कब अच्छे होंगे? प्यारे दोस्त, आप 2020 जो है अपने जहन में रखें, 2020 से आपके हालात अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे और बहुत बेहतर हो जाएंगे और मौजूदा परेशानी या मुश्किल जो है इससे आप बाहर हो जाएंगे। अगला सवाल किया है करतलैन ने सखर से, शादी कब होगी और कहाँ होगी, शादी पसंद की होगी और ख़ानदान में होगी और ज़िंदगी बड़ी अच्छी और बेहतर गुजरेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
अल्लाह हाफिज़।